तो अभी मैंने पूछा कि ये जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, तो मेरे साथ वाला जो मैकेनिक है मेरे भाई बजाज टिप्स एंड ट्रिक, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उनसे पूछा यार इसको क्या बोलते हैं लोगों को बताने के लिए, तो उन्होंने कहा बटरफ्लाई बोलते हैं, ये बटरफ्लाई तुम्हारी फट चुकी है। तो मैंने कहा अरे इसको बटरफ्लाई इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे कि तितली, तो हमारी गाड़ी की जो है तितली फट चुकी है और अब हमें इस गाड़ी के अंदर तितली नहीं डालनी पड़ेगी। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रॉयल इनफील्ड के अंदर, वो आती है पिकअप को लेके। जब से BS4 मॉडल बन के आए हैं मार्केट के अंदर, उन गाड़ियों के अंदर पिकअप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और आज हमारे पास जो स्टैंडर्ड है और मात्र 9000 किलोमीटर चल रखी है और गाड़ी के अंदर पिकअप की प्रॉब्लम ऐसी है कि गाड़ी 40 से ऊपर ही नहीं जा रही है। फिलहाल के लिए मीटर बंद है, पर मैं आपको चढ़ाई में या सीधी स्पीड में चला के दिखाऊंगा कि गाड़ी का पिकअप ही डाउन हो चुका, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो वही सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे ठीक किया जाए। तो पहले हम देखते हैं पिकअप, देखिए मैंने पूरा थ्रॉटल खींच दिया है और गाड़ी सेकंड गियर में है, पर गाड़ी चढ़ के नहीं दे रही है और हम डबल सवारी हैं, डबल सीट, और हमारे सामने देखिए लोग कैसे निकल जाते हैं बुलेट को लेके। और हम सिर्फ देखिए मेरा हाथ को आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए पूरा खींच दिया, पर गाड़ी बिल्कुल भी मौसम नहीं बना रही है। देखिए वो गाड़ी मात्र सेकंड गियर में है और पूरा एक्सीलेटर खींच दिया, कोई पिकअप नाम की चीज़ नहीं है। चलिए एक बार मैं फर्स्ट गियर में डालता हूँ, ये फर्स्ट गियर में डाला, पूरा एक्सीलेटर खींच दिया। अगर मेरा हाथ आप देख पा रहे हैं तो देखिए पूरा एक्सीलेटर खींच दिया, पर गाड़ी का पिकअप ही नहीं आ रहा है। हाफ गियर में चला के देख लो, पूरे गियर में क्लच दबा के देख लो, बट गाड़ी का पिकअप ही नहीं है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी का सलूशन आज हम निकालेंगे इस वीडियो में। और आपको वीडियो में बने रहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है, आपके फ्रेंड के साथ आती है, किसी के भी साथ आती है, तो आप इसका सलूशन बता सकते हैं और क्या इसका उपाय है, वही हम इस चीज़ में आज वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं शॉप पर और देखते हैं इसका क्या सलूशन है। तो ये रही अब डायरेक्ट शॉप। तो ये गाड़ी है, सबसे पहले हमें एक चीज़ चेक करनी है, पहले है प्लग का अडाप्टर। अगर हमारे प्लग दो प्लग होते हैं, दो स्पार्क प्लग होते हैं, जिसमें से अगर एक की लीड निकल जाती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार हम टंकी खोल के और उसको चेक कर लेते हैं। अब टंकी खोल दी है हमने, अब चेक क्या करना है, ज़रा हम नज़दीक से चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जो हमारी ये लीड रहती है ना, ये लीड अगर हमारी निकल जाती है या बाहर निकल के ऐसे यहाँ साइड में लगी रहती है तो हमारी ये प्रॉब्लम आती है। पर इसकी दोनों लीडें बिल्कुल अंदर को हैं, ठीक है, तो मेरे को लगता नहीं कि इसकी प्रॉब्लम है। और एक बार देखते हैं स्टार्ट करके इसको, देखिए करंट आ रहा है इसके अंदर, और स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट भी हो जानी चाहिए। तो स्टार्ट भी हो रही है। अब दूसरा चीज़ है हमारे यहाँ कार्बोरेटर का स्लाइड कट जाता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का। तो कार्बोरेटर कुछ इस तरीके का होता है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कार्बोरेटर रहता है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्लाइड रख रहता है, तो जो स्लाइड होता है स्लाइड यहाँ से कट जाता है और ये बॉडी में जाम हो जाता है। तो इस टाइप का कुछ होता है, उसके लिए हम एक बार इसको खोल के देखते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर भी यही है। तो अब हम स्लाइड खोल के देखते हैं कि जो हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर वही प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली स्लाइड को उठा के देख सकते हैं और यहाँ पर स्लाइड तो ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब ज़रा ध्यान से देखिए क्या होता है इसका, जो ये इसको बोलते हैं ना तवा, देखिए ये अगर कहीं से फट जाए, फिल्टर होता है ये जो एयर निकालता है, और ये फिल्टर यहाँ से फट चुका है, तो जितना ऑक्सीजन बन के ऊपर को खींचता है वो ख़राब हो गया इसके अंदर, वो ऑक्सीजन उतना बन नहीं पा रहा है। तो कहाँ से है वो, ये रहा देख सकते हैं आप, तो यहाँ से जितनी भी ऑक्सीजन है सब इसके अंदर जा रही है और ये ऊपर को खींच नहीं पा रहा है, ऊपर को उठता है ना, उठ नहीं पा रहा है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो यही है। मैं एक बार दूसरा इसका फिल्टर डालता हूँ ये, और फिर आपको आगे कहानी सुनाते हैं कि कैसे काम कर।
तो अभी मैंने पूछा कि ये जो वॉल्व होता है इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, तो मेरे साथ वाला जो मैकेनिक है मेरे भाई बजाज टिप्स एंड ट्रिक जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उनसे पूछा यार इसको क्या बोलते हैं लोगों को बताने के लिए, तो उन्होंने कहा बटरफ्लाई बोलते हैं, ये बटरफ्लाई तुम्हारी फट चुकी है। तो मैंने कहा अरे इसको बटरफ्लाई इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे कि तितली, तो हमारी गाड़ी की जो है तितली फट चुकी है और अब हमें इस गाड़ी के अंदर तितली नहीं डालनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है जल्दी से तितली फट गई है और तितली को नहीं डाल लेते हैं, और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि तितली फट जाएगी तो क्या ये रियल नाम यही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, कमेंट में बताइए। नॉर्मल कार्बेटर में ये नहीं होता है, जो एयर कार्बेटर कहते हैं एयर प्रेशर कार्बेटर, तो उसको बटरफ्लाई कहेंगे, बटरफ्लाई कार्बेटर। बटरफ्लाई में इसी को अब इसको बटरफ्लाई कहते हैं, तो मैंने वही कहा ना कि मैंने कहा कि मोनू भैया से तितली कह दो, नहीं तुमने बटरफ्लाई कहा ना, तो इसको तो बटरफ्लाई कार्बेटर ही मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा बटरफ्लाई फट गई, वो तो इंग्लिश शब्द हो गया ना, तो मुझे यही बोलना पड़ेगा कि भैया इसकी तितली फट चुकी है। सर जब हम अपनी ट्रेनिंग में बजाज गए थे, बजाज की ट्रेनिंग शॉप सेंटर में, तो वहाँ पर को हमसे बताया गया था ये बटरफ्लाई होती है। ओके फिलहाल हमने आपसे बटरफ्लाई का ओके, तो हिंदी में हमारी तितली फट चुकी है, हिंदी में तितली फट चुकी है ना, तो चलो इसको जल्दी से डाल लेते हैं और देखते हैं, ये अलग स्लाइड को डाल लेते हैं रबड़ को, और ये रबड़ तो हमारी फट चुकी है, और देखते हैं फिर पिकअप आता है या नहीं, आप वहाँ दे दीजिए हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं दोबारा राउंड लेते हैं, और जो पिकअप की प्रॉब्लम थी अब मेरे को लगता है उम्मीद कि ठीक हो जानी चाहिए। यस गॉट इट मैन, कर दिया काम हो गया। तो कभी कभी बड़ा मज़ा आता है जो छोटी छोटी परेशानी होती है और जिसको लोग ढूंढ नहीं पाते, मतलब होता हमारी आंखों के सामने ही है और चीज़ समझ में नहीं आती ना, और इंसान अपना मतलब जो हमारे कैटेगरी के मैकेनिक लोग जो होते हैं ढूंढते रहते हैं यार मिलेगी समस्या का समाधान क्या होगा, ये गाड़ी निपट जाए सर दर्द दूर हो जाए, तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं आँखों के सामने होती हैं और नज़र भी नहीं आती हैं, तो यही है इसीलिए वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है कि हमारी वीडियो से किसी का सलूशन मिले और किसी को किसी की कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल जाए, उसे और क्या चाहिए हमें, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, काम हो चुका है बिल्कुल, पिकअप आ गया है, देखिए गाड़ी आप खुद देख सकते हैं रॉकेट हो जा रही है, तो हमारी तितली फट चुकी थी या बटरफ्लाई कह दो, ठीक है अगर उसमें कट लग जाता है कार्बेटर की वॉल्व में तो ये प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए, और जो हमारा विनर बना था मीटर का वो बंदा का ये रहा उसका लिंक कमेंट, और वो मेरे से कॉन्टेक्ट करें, उनको कल या परसों में भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल के वीडियो पे इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।